मौजे सामईन कराम, आप सुन रहे हैं डियारे उर्दू चैनल पर याकूब निज़ामी की किताब मगरिब की वादियों में मराकश और अंदलुस की सफरी यादें। सब हेडिंग एक दिन कोहे अतलस में। कोहे अतलस मराकश, त्यूनस, अलजज़ायर और सहराए सहारा तक तकरीबन 1600 मील पर फैला हुआ एक ऐसा मंजरनामा है जिसके कई रंग और रूप हैं। उसमें जहाँ सहरा, तपती धूप और चटील पहाड़ हैं, वहाँ सब्ज़ाज़ार, रंगा रंग फूल, दरिया, नदी नाले, झीलें, भेड़िए, चीते, शेर, हाथी, चरिंद और परिंद के साथ साथ गांव, देहात और कस्बे भी आबाद हैं। कोहे अतलस के दामन में पहुँचते ही इंसान के जहन में अफ्रीका का जो खुद साख्ता नक्शा मुरतब होता है वो मिसमार होना शुरू हो जाता है। दामन में बहते दरिया, हरे भरे जंगल, फूल बूटे देखकर इंसान को कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड याद आने लगता है। जो लोग फितरती हुसन की बजाय पर्दा स्क्रीन पर हुसन के जलवे देखने के कायल हैं, वो भी इस इलाके में जाते हैं, चूँकि कोहे अतलस के एक गांव आए बिन हदू में हॉलीवुड स्टूडियो कायम है। द मैसेज, जीसस ऑफ नजरत, ग्लैडिएटर और लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी मशहूर ज़माना फिल्मों की शूटिंग इसी गांव और इलाके में हुई। फिल्म स्टूडियो और गांव औरज़ाज़ात के इलाके में हैं। बरतानिया के एशियाओं के बारे में मज़ाहिया अंग्रेज़ी फिल्म वेस्ट इज़ वेस्ट में पाकिस्तान के जो मनाजर दिखाए गए हैं, असल में वो मराकश के इसी इलाके के हैं, जिसमें मज़ार, मलंग और गलियाँ, मोहल्ले भी दिखाए गए हैं। फिल्म में अदमपुरी के साथ साथ आकिब खान, जिसने साजिद के नाम से चाइल्ड स्टार के तौर पर काम किया था, को फिल्मी नाजरीन ने बेहद पसंद किया था। आकिब अब जवान हो चुका है और बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में रहता है। उसका आबाई इलाका अटक पाकिस्तान है। मराकश की सियाहत के दौरान अक्सर सयाह इन पहाड़ों का भी रुख करते हैं और हॉलीवुड का स्टूडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलते। इसी पहाड़ी सिलसिले के दामन में ओरिका वैली है, जो कोहे अतलस का गेटवे कहलाती है। जो सयाह कोहे अतलस की सियाहत करना चाहते हैं, वो अपने होटल के ज़रिए या फिर शहर में जगह जगह कायम टूरिस्ट ऑफिस से इसका बंदोबस्त करवा सकते हैं। मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि अपने होटल की बजाय खुली मार्केट से ये टूर सस्ता बुक होता है। चुनाचे मैंने 350 दिनार, जिसकी मालियत तकरीबन 22 पौंड और पाकिस्तानी कोई 3500 रुपये थी, अदा किए और दो आदमियों का एक दिन के लिए ओरिका वैली टूर बुक करवाया। हमें बताया गया कि सुबह 8 बजे तैयार रहना, हमारा आदमी आपको होटल से साथ ले आएगा। हमने टिकट बुक करवाए, शाम का खाना खाया, अलफना के फूड स्टॉल से खाया और आराम करने अपने होटल चले गए ताकि सुबह जल्दी तैयार हो सकें। सुबह सवेरे उठे, गुसल और नाश्ते से फारिग हुए तो ठीक 8 बजे एक आदमी हमें लेने आ गया। हम उसके साथ होटल से बाहर निकले तो साथ वाले होटल से भी दो लड़कियां निकली और हमारे साथ हो गईं। मालूम हुआ उन्होंने भी हमारे साथ आज कोहे अतलस की सैर करनी है। हम गाइड के साथ अलफना पहुंचे तो वहां 7 नशिस्तों वाली कार नुमा जीप हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और हमें नवीद सुनाई कि आज सिर्फ 4 सयाहों को ही सैर करवानी है, इसलिए खुले डुले जहाँ जी चाहता है बैठें और सफ़र से लुत्फ उठाएं। गाड़ी अलफना मैदान से निकली, मस्जिद कुतबिया के पास से गुजर कर शाहराहे मोहम्मद पंजम पर जा पहुँची, जहाँ शाही महल और 7 सरकारी दफातर थे। ये वही सड़क है जो शहर से हवाई अड्डे की तरफ जाती है। सड़क इंतहाई कुशादा, खूबसूरत और उसके दोनों किनारों पर खुश रंग फूल थे। सुबह के वक्त फूल बूटों को वाटर टैंक के ज़रिए पानी दिया जा रहा था। हमारे बाएं हाथ वो फसील थी जो शहर कदीम के इर्द गिर्द 1000 साल से इसी हालत में कायम है। सुबह सवेरे मुझे ये शहर उजला उजला और रोशन नज़र आ रहा था। मैं ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त पर, जबकि बेगम पिछली नशिस्त पर अरब लड़कियों के साथ बैठी थी। तारिक नामी ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और अच्छा इंसान था। ये कुछ अरसा बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में भी रहा। जब मैंने बताया कि मैं मैनचेस्टर टाउन हॉल में काम करता हूँ, तो ये सुनकर उसने एहतराम में आंखें झुका दी।
अहले मराकश के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई मुसलमान बरतानिया के दफातर में अंग्रेज़ों के शाना बशाना काम करे। अब तारिक ने वक्फा वक्फा पर हर दिलचस्प मुकाम पर गाड़ी खड़ी करना शुरू कर दी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सियाहत से लुत्फ़ उठा सकें। इसके साथ साथ हमारी मालूमात में इजाफा भी करता रहा। शहर से बाहर निकले तो बागात का सिलसिला शुरू हो गया। बागात मीलों फैले अनवाओ इकसाम के फलों और फूलों से लदे हुए थे। तारिक ने बताया कि बागात शहर के उन अमीर लोगों की मलकियत हैं जो यहाँ के जागीरदार हैं। जब हुकूमत ने उन्हें सहूलियात दी तो उन्होंने अपनी ज़मीनों में बागात लगाए। इन बागात के संतरों का रस पूरे मराकश में फ़रोख्त होता है, बल्कि हम बैरून मुल्क भी फ़रोख्त करते हैं। जब बागात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो फिर मैदान भी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी सिलसिले में बदलने लगे। छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ जिनकी रंगत सुर्खी माइल थी, बल्कि वही रंग जिस रंग की मराकश शहर की कदीम फजील है। मालूम होता था कि इसी इलाके की मिट्टी ले जाकर फसील तामीर की गई थी। सब हेडिंग मराकश के बकरवाल और डॉक्टर शमीम। कोहे अतलस के दामन में पहुँचे तो देखा बरबर खाना बदोश भेड़ बकरियों के रेवड़ हाँकते सड़क के साथ साथ कोहे अतलस की बुलंदी की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखा तो मुझे कश्मीर के वो गुजर और बकरवाल कबाइल याद आने लगे जो गर्मियों के आगाज़ में पीर पंजाल की तरफ बीवी बच्चों और माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हैं। मराकश के बरबर कबाइल और कश्मीर के बकर वालों के दरमियान मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। दोनों कबाइल की तर्ज ज़िंदगी में बेहद मुमासलत, बल्कि उन्हें देखकर मैं अपने आप को कश्मीर में ही महसूस करने लगा। बरबर खाना बदोश औरतों ने रिवायती लिबास कफ्तान पहना हुआ था। बाज़ औरतों ने कमर के साथ चादरें बांधकर अपने नौनिहालों को उन चादरों में डाले। हाथ में छड़ी लिए भेड़ बकरियां हाँकती जा रही थीं। खैमे और कुछ सामान खोतियों पर और खाने पीने का सामान औरतों के सरों पर उठाया हुआ था। भेड़ बकरियों के रेवड़ के आगे आगे एक मखदूम नुमा बरबर कंधे पर कुल्हाड़ी और भेड़ के एक नौमौलूद बच्चे को चादर में डालकर कमर के साथ लटकाया हुआ चलता हुआ और साथ साथ सीटियां बजाता अपने हाल में मगन था। कुछ औरतें बच्चों के साथ रेवड़ के दरमियान हैं, जबकि सबसे आखिर में नौजवान लड़के भेड़ों को हाँकते और ट्रैफिक से दूर रखने की जद्दोजहद कर रहे थे। एक जगह भेड़ों के रेवड़ ने सड़क बंद कर दी तो दोनों तरफ की ट्रैफिक बंद हो गई। ड्राइवर हॉर्न बजाते तो हॉर्न की आवाज़ सुनकर भेड़े मज़ीद भुदकने लगती। इसी तरह हम काफ़ी अरसा सड़क पर खड़े रहे, लेकिन कोई जज्बाती नहीं हुआ। ये मंजर देखा तो मुझे अपनी कज़न डॉक्टर शमीम याद आने लगी, जिसकी गाड़ी एक दफ़ा राजवरी के करीब बकरवाल के इसी तरह के रेवड़ में फंस गई थी। डॉक्टर शमीम ने एमरजेंसी में किसी मरीज़ को देखने जाना था। चुनाचे पहले तो उसने प्यार मोहब्बत से समझाया कि किसी इंसान की ज़िंदगी या मौत का सवाल है, इसलिए सड़क खाली करो। लेकिन जब बकर वालों के कानों पर जूं तक ना रेंगी तब शमीम गाड़ी से निकली और उन बकर वालों से लाठी छीनकर उन्हें इस तरह पीटा जिस तरह वो अपने गधों को पीटते हैं। यूँ आँख छपकते ही बकर वालों ने सड़क खाली कर दी। उस दिन के बाद हमने डॉक्टर शमीम की छेड़ बकर वाली रखा हुआ है, और जब किसी बिगड़े तिगड़े इंसान की अकड़ ढीली करवानी मतलूब हो तब हम फरमाइश करते हैं कि बहन शमीम बकर वाली एक्शन प्लीज़। आज डॉक्टर शमीम के बकर वाली कानून पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन इस तेज़ की भेड़ों ने खुद ही हमें रास्ता दे दिया। एक भेड़ रास्ते से हटी तो सब ने भेड़ चाल पर अमल किया। सब हेडिंग बरबर खाना बदोश। बरबर बकर वालों के रेवड़ से निजात मिली तो गाड़ी दोबारा बल खाती सड़कों पर सफ़र करने लगी। तो ड्राइवर ने लतीफ़ा नुमा एक वाक्या सुनाया कि हम बरबर पक्के मुसलमान और मज़हबी लोग हैं। ये उस ज़माने की बात है जब हमारे मुल्क पर फ्रांसीसी हुकूमत करते थे। एक दिन मेरा दादा गधों पर सामान लादे जा रहा था कि ट्रैफिक रुक गई, लेकिन गधे सड़क पर मुसलसल चलते रहे। आखिर तंग आकर एक फ्रांसीसी ने मेरे दादा को कहा कि ओए दो टांगों वाले काले गधे, अपने गधों को रास्ते से हटाओ। मेरे दादा ने जवाब दिया कि सरकार मैंने गधों से कहा था कि हट जाओ, लेकिन उन्होंने कहा हम अपने मालिक की तरह गैर मुस्लिम सफ़ेद फाम काफिरों को पसंद नहीं करते,
इसलिए रास्ता नहीं दे सकते। ये सुनकर हम सब ने एक भरपूर कहकहा लगाया। फिर मैंने ड्राइवर को बताया कि आपके बर्बर कबाइल के खाना बदोश और हमारे कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के बकरवाल और गोजरों की बहुत सी खसूसियात मुझे मुश्तरक महसूस होती हैं। इस पर ड्राइवर बोला, मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन एक बात याद रखें, हमारे बर्बर खाना बदोश इंतहाई गंदे होते हैं। ये साल में एक या दो बार गुसल करते हैं। गंदगी की वजह से उनको जुएं पड़ जाती हैं, उनके बच्चे भी गंदे, बल्कि उनसे बदबू आती है। क्योंकि ये खाना बदोश अपने बच्चों के सर के दरमियान से थोड़े बाल उसरे से साफ़ करके वहाँ मक्खन रखते हैं। उनका ख्याल है कि इससे दिमाग तरोताज़ा होता है, जबकि इन नादानों को ये इल्म नहीं कि सर की खाल इंतहाई मजबूत होती है। वहाँ से मक्खन या घी का अंदर जाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। हाँ, अगर मक्खन सर पर रखने की बजाय बच्चों को खिलाएं तो बेहतर है। हमारा मुल्क गर्म है, सर पर रखा हुआ मक्खन या घी पिघलकर कानों से नीचे बहता रहता है। मक्खन के अलावा ये बच्चों के सर पर भेड़ों और बकरियों का दूध डालते हैं, जिससे उनके सर के बाल अकड़ जाते हैं। मक्खन और दूध के इस्तेमाल से उनसे नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आती है। लेकिन हैरानगी की बात है कि इन खाना बदोशों को बू नहीं आती, क्योंकि एक ही माहौल में मुसलसल रहने से उनके नाक के नथने बंद हो जाते हैं। ऐसे में आप इन गंदे लोगों का अपने खूबसूरत कश्मीर के बकर वालों और गोजरों से मुकाबला ना करें। ये सुनकर मैंने कान लपेट लिए। हम यूं ही बातें करते सफ़र करते रहे। हमें कोहे अतलस में यूरेका वैली जाना था। चुनाचे रास्ते में अगमात के करीब एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी खड़ी थी, तो हम रेस्टोरेंट की छत पर चले गए, जहाँ से गिरदोनवा का मंजर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। इस दौरान एक मुकामी टूरिस्ट गाइड भी आ गया, जिसने बताया कि वो सामने ज़माना कदीम के तारीखी शहर अगमात के खंडरात हैं, आइए आपको वहाँ ले चलते हैं। मुझे इस शहर के खंडरात देखने थे, लेकिन फ़ैसला हुआ कि ओरिका वैली से वापसी पर उस शहर के खंडरात देखेंगे। हम काफ़ी अरसा छत से खूबसूरत वैली के नज़ारे करते रहे, फिर वहाँ छत पर बैठ कर ही कहवा पिया।